गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पर हैं, सेफ हैं। चलिए तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स होता है कि जो अपना इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, है ना। डिफरेंट सिचुएशन हमने देखी तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे बने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कितना बनेगा, है ना, कि वेट ऑफ सब्सटेंस है जो हमने देखा था कि कॉपर या फिर मेटल जनरली रिडक्शन करके कैथोड के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट। तब वो कितना डिपॉजिट होगा, कितना मास उस मेटल का डिपॉजिट होगा, और उसका क्या रिलेशन है करंट के साथ, कितना चार्ज हम सप्लाई करें उसके साथ क्या रिलेशन है, तो इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो एक्चुअली ये चीज़ें पहले स्टडी हो चुकी हैं। ये जो अपने फैराडे हैं, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा फैराडे के अंदर, तो फैराडे सर ने इन सभी एस्पेक्ट को स्टडी किया था और कुछ लॉज उन्होंने बनाए थे, कुछ नियम उन्होंने हमारे को बताए थे, उन्हीं को हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ के फॉर्म में, ठीक है। तो चल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दो लॉ हमारे को पढ़ने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए तो हम पढ़ेंगे आज क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसके अंदर हमारे को पढ़ने होते हैं फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, ठीक है। कितने हैं? पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ को और फिर सेकेंड लॉ। तो मीन्स आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है फैराडेज लॉ, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी को हम सप्लाई करें तो कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा, इस तरह के कुछ एस्पेक्ट, कुछ रिलेशन हमारे को पढ़ने हैं। तो चलिए एक बार मैं वीडियो का फोकस चेक कर लेता हूँ, कहीं बाद में पता लगे कि वीडियो में फोकस नहीं है, वीडियो बार बार ब्लर होती है। चलिए फोकस सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉ। तो सबसे पहले आपने नोट कर लिया है, चलिए नोट करने वाली कोई बात भी नहीं थी, ओके। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ, अब फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फैराडे फर्स्ट लॉ हमारे को यह बताता है कि हम कितना चार्ज सप्लाई करें, हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो उसके लिए हमारे को इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना पड़ता है। तो हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं तो हमारे को कितना मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या फिर इलेक्ट्रोड से जो लिबरेट होगा, जैसे कोई गैस बनेगी तो लिबरेट होगी, तो वो कितना उसका मास बनेगा, कितना चार्ज सप्लाई करने पर कितना मास बनेगा, ये है हमारा फर्स्ट लॉ। तो चलिए क्या कहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर इसको हम कहें मास और वेट ऑफ सब्सटेंस, अच्छा कैसा है ये, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, और लिबरेटेड। तो उन्होंने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहें या फिर कहें मास ऑफ सब्सटेंस या फिर कहें वेट ऑफ सब्सटेंस, क्या या तो डिपॉजिटेड, या तो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर या उससे लिबरेट होगा, ठीक है। तो वो कितना डिपॉजिट होगा, कितना लिबरेटेड होगा, कहां पे, एट इलेक्ट्रोड्स, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, और चार्ज कौन सा चार्ज, पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चलिए, तो फैराडे के फर्स्ट लॉ ने सिंपली जो बिल्कुल बेसिक जो उन्होंने बात बताई थी वो ये थी, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की या फिर कितना चार्ज हमने पास किया, किसके थ्रू, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मीन्स मैथमेटिकली मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, और उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं क्यू से। क्यू क्या है बोले, क्यू क्या है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट से हमने कितना मास, सॉरी कितना चार्ज पास किया वो है अपना क्यू, और जितना वेट डिपॉजिट हुआ है, जितना वेट डिपॉजिट हुआ है उसको हमने डिनोट कर दिया W2 से, या सिंपली हम लिख लेते हैं इसको W ही लिख लेते हैं। चलिए, इसको हमने कैपिटल W रख लिया है। ठीक है, तो आगे अगर मैं कहीं भी लिखूं कैपिटल W, इट मीन्स कि कितना मास डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड के ऊपर। जैसे ये हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया इसके अंदर, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोड लगाई और इसको हमने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, हमने करंट को पास करवाया, तो अब आपको पता है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो जो पॉजिटिव होते हैं, और दो तरह के आंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, नेगेटिव, एक्स को हमने मान लिया पॉजिटिव, तो नेगेटिव किसकी तरफ जाते हैं, पॉजिटिव किसकी तरफ जाते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे मीन्स जो जनरली मेटल्स लेते हैं हम, मेटल्स जो हम लेते हैं वो रिड्यूस होती हैं और वो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है, या फिर कोई गैस बनती है तो वो इलेक्ट्रोड से लिबरेट होती है। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl देखा था, वहाँ से क्या किया था हमने कि जो सोडियम मेटल है वो तो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गई थी, और जो क्लोरीन है वो एनोड से लिबरेट हुई थी। चाहे डिपॉजिट हो या फिर लिबरेट हो, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि कितना चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर हम पास करते हैं, ठीक है ना, और कितना उसका सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस का जो मास है या फिर वेट वो डिपॉजिट होता है। तो इन दोनों के बीच में, करंट के बीच में और वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड, उनके बीच में रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्लियर है, तो चलिए एक बार इसको नोट कीजिए आप। ओके, नोट हो गया है, फोकस सही है, सारी चीज़ें विजुअल, वेरी गुड। चलिए नोट कर लिए, वेरी गुड। अब देखिए, हमने इस रिलेशन को बना लिया है सिंपली। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के सिंबल को हटाते हैं और क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट को हम इन्वॉल्व करेंगे। अब ये जो जेड है वो क्या है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, इक्वल का साइन लगाया, साथ में एक कॉन्स्टेंट को इन्वॉल्व किया, ये आप सभी करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर। और इस जो ये एक कॉन्स्टेंट है, इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड हम करके लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, आई इंटू टी। अब ऐसा क्यों है, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस के अंदर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बोलिए, इस फॉर्मूले का आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि करंट होता है चार्ज बाई में टाइम, तो यहाँ से हमने चार्ज की वैल्यू निकाल ली I इंटू टी, आई इंटू टी, तो हमने Q को रिप्लेस कर दिया I इंटू टी से। क्लियर है, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। देखिए कैसे, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर या फिर इस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान I की जो वैल्यू है वो क्या मान लूँ, 1, टाइम की वैल्यू भी क्या मान लूँ, 1, तो W इज इक्वल टू Z। इस सिचुएशन के अंदर जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है वो इक्वल आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के, तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज जेड, जेड क्या है, आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब बोलोगे इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर
वन सेकेंड, क्योंकि टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड। करंट की क्या होती है, एम्पियर। तो हमने एसआई यूनिट के अंदर रखा है, तो हमने कहा कि अगर हम करंट को वन मान लें, वन एम्पियर, और कितने टाइम के लिए फ्लो करें, वन सेकेंड के लिए, उस टाइम पे जो वेट डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा इलेक्ट्रॉन पे, वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक वेट है, वो वेट है जो डिपॉजिट होता है कब, जब हमने 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास करवाया, या फिर हम कहें क्या कहें कि हमने सिंपली कितने चार्ज को फ्लो करवाया, 1 कूलम चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम चार्ज को 1 कूलम मान लें तो जेड और डब्ल्यू इक्वल आ गई, क्लियर है। तो चाहे आप ये कहें कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज पास्ड और व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड, दैट वेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है, तो चलिए नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, ओके, तो नोट हो गया है, चलिए नोट कीजिए और चेक कीजिए क्या कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। हाँ जी, तो आप कहेंगे सर कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही लिखा आपने, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ डेफिनेशन को, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ। तो जो फैराडेज लो था, फर्स्ट फैराडे फर्स्ट लो ने जो सिंपली हमारे को कहा वो ये कहा है ना, उसको समराइज करके हमने इस तरह से लिख दिया कि फैराडे लॉ ने बस यही कहा था कि जो वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा वो रिलेट करता है डायरेक्टली किसके साथ है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेटल डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगी उसके लिए हम रिएक्शन मान लेते हैं, जैसे मेटल। अब मेटल के कैसे आयन होते हैं, कैटायन्स, तो हमने कैटायन को मान लिया कि एक्स पॉजिटिव, या फिर हम कहें एक्स एन पॉजिटिव रिड्यूस होगा कैसे, एन इलेक्ट्रॉन्स को लेके, और क्या बना देगा, एक्स सॉलिड, ठीक है। ये कोई मेटल का आयन था, सब्सटेंस था, उसका आयन था, उसने एन इलेक्ट्रॉन्स को लिया और वो रिड्यूस हो गया सॉलिड फॉर्म के अंदर, क्लियर है। अब ये सॉलिड इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है, ये आपने पढ़ रखा है। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या कहा था कि जैसे हम मान लेते हैं एन ए था, एन ए पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन को लेके एन ए सॉलिड। अच्छा, कॉपर था सीयू प्लस टू, कितने इलेक्ट्रॉन को लेके, टू इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड। अच्छा, हमने मान लिया एल्यूमिनियम प्लस थ्री, कितने इलेक्ट्रॉन को लिया, थ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बना लिया, एल्यूमिनियम सॉलिड। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस और गेन होने हैं ये डिपेंड करता है मेटल पे, ठीक है। इसीलिए हमने एक यहाँ पे सिंपली एक टर्म रख ली एन, कि एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मीन्स कैटायन के जिसके ऊपर एन चार्ज है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है। आई होप आपको समझ आया है। चलिए मैं इसको रेज करता हूँ। अच्छा, अब देखिए, अब मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ पे अगर हमने n इलेक्ट्रॉन को माना, n इलेक्ट्रॉन से जो मास डिपॉजिट हुआ है वो कितना हुआ है, x के कितने मोल है यहाँ पे, वन मोल, सॉरी वन एटम कहेंगे, क्या कहेंगे, वन एटम। अगर मैंने n इलेक्ट्रॉन्स को लिया है तो कितने एटम बने हैं, वन एटम बना है। बट अगर मैं यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या ले लूँ, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लूँ, क्या ले लूँ, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे सब्सटेंस का भी क्या बनेगा, वन मोल ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का क्या बनेगा, वन मोल, अगर मैंने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मोल ऑफ सब्सटेंस बनेगा। अच्छा, मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, आपको पता है मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है मोलर मास, क्या मीनिंग होता है, मोलर मास। मीन्स एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं लेता हूँ तो किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट होता है, आप कहेंगे मोलर मास, ये बात समझ आती है। चलिए एक बार चेक कीजिए, वेरी गुड, जो मैंने बोला है एक बार उसको सोचिए। मैंने यहाँ से कहा है इस रिएक्शन को देखते हुए कि अगर कोई कैटायन एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस कैटायन का जो अब रिड्यूस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म बनेगी वो कितनी बनेगी, वन मोल। वन मोल का मतलब मोलर मास, कि ग्राम के अंदर वो कितना बनेगा, जितना उसका मोलर मास है इन ग्राम्स, क्लियर है। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखिए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखिए एन को मैं अलग रखता हूँ,
मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10^3, और किसके ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बात सही है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कितना, 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। क्लियर है? तो मींस इतना अगर हम चार्ज सप्लाई करते हैं, इतना चार्ज अगर हम सप्लाई करते हैं तो सब्सटेंस का क्या बनेगा, मोलर मास। तो जो सब्सटेंस वो डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो कितना होगा, इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम। मोलर मास जो ग्राम के अंदर है उतना सब्सटेंस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा अगर हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 96487 कूलम। एक्चुअल जो वैल्यू है वो इसके समथिंग है, और अप्रोक्सीमेटली इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं कितना, 96500 कूलम। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 96500 कूलम्स, और इसी को हमने बोल रखा है 1 फैराडे। बोलिए, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है, नहीं भी बताई है तो मैंने बता दिया कि इस वैल्यू को हम बोल सकते हैं 96500 कूलम्स जो चार्ज है, उसी चार्ज को हमने 1 फैराडे का नाम दे दिया। जैसे हमने 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स को नाम दे रखा 1 मोल का, इसी तरह से हमने 96500 कूलम्स के चार्ज को नेम दे दिया 1 फैराडे का। ये बात क्लियर है? उसके बाद अब देखिए, यहाँ से इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया तो आया 1 फैराडे। आया कैसे है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो है 96500 कूलम, और उसी को हमने बोला 1 फैराडे। जैसे मैंने गैल्वेनिक सेल के अंदर आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं 1 फैराडे। आया कैसे है आपको पता लग गया। अब इसी इक्वेशन को देखिए, इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखता हूँ कि एन इंटू 1 फैराडे, देखिए ये सारी चीज़ें 1 फैराडे, ये एन है, एन इंटू 1 फैराडे इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास को मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल एम से, मोलर मास को मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल एम से। क्लियर है? तो मोलर मास की बजाय मैंने रख दिया अब एम, इसका मतलब मोलर मास। क्लियर है? तो अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं फैराडे की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, बोलिए यहाँ से 1 फैराडे किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 1 फैराडे एम टू उधर है ही, डिवाइड बाई में एन, डिवाइड बाई में एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट। यहाँ पे रिडक्शन है तो गेंड है, अगर ऑक्सीडेशन होता तो लॉस्ट होता। क्लियर है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हम कह सकते हैं कि कितने लिए या फिर कितने दिए, कितने गेन किया कितने फिर लॉस किए। ठीक है? तो एन वो हो गया। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर है एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट। क्लियर है? तो अब यहां से 1 फैराडे इसके इक्वल आ गया। बोलिए 1 फैराडे की जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, मोलर मास बाई में एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या फिर गेंड और लॉस्ट। ठीक है? बाई एन कैटायन और एन आयन। ठीक है? तो अब इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सोचिए इसके बारे में कि मोलर मास डिवाइड बाई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट, ये क्या होता है। आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल आपने इसको पढ़ रखा है, तो एक बार इसको सोचिए थोड़ा सा, क्या है ये। ओके, सोच लिया, वेरी गुड। तो देखिए क्या है ये, मोलर मास डिवाइड बाई में एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड और लॉस्ट। अब इसी को मैं बोल सकता हूँ, इसी को मैं बोल सकता हूँ, एक तो ये है ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेंड या फिर लॉस। ठीक है? या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ वैलेंसी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ चार्ज। चार्ज ऑन आयन, बोलिए कह सकता हूँ मैं ये, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे, जितना उसके ऊपर चार्ज था, आयन के ऊपर जो चार्ज था उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए थे, और कोई कितने इलेक्ट्रॉन लेता है फिर छोड़ता है उसकी वैलेंसी के इक्वल। क्लियर है? तो एन यहाँ से, एन को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, जिसका मतलब होता है वैलेंसी, और जिसको हम कह सकते हैं चार्ज। क्लियर है? तो अब मोलर मास बाई में चार्ज, मोलर मास बाई में चार्ज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। बोलिए, ये आपने पढ़ा है कंसंट्रेशन टर्म के अंदर, मैंने आपको ये बताया था कि जो मोलर मास है, मोलर मास डिवाइड बाई में वैलेंसी, मोलर मास डिवाइड बाई में चार्ज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 फैराडे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। बोलिए, मैं कह सकता हूँ यहाँ से 1 फैराडे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। एक बार चेक कीजिए क्या कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। चलिए,
सोचिए एक बार, वेरी गुड, सोच लिया। अच्छा, अब मैंने बोला कि 1 फैराडे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, क्यों? क्योंकि 1 फैराडे हमने यहाँ से निकाला कि मोलर मास बाय में वैलेंसी, और मोलर मास बाय में वैलेंसी का हमारे को पता होता है कि वो इक्वल होता है इक्विवेलेंट मास के, इसलिए हमने 1 फैराडे को इक्वल रख दिया इक्विवेलेंट मास के। क्लियर है? अच्छा, एक कंसेप्ट और मैं बता दें कि यहाँ तक के मोस्टली टीचर पढ़ा देते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसे एक स्टेप आगे तक मैं आपको ले जाऊँगा, तो ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है कंसंट्रेशन टर्म में, हर टीचर पढ़ाता है, तो एक बार उस फॉर्मूले को बताइए क्या है। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सर होता है गिवन मास बाई में मोलर मास, सॉरी गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट मास। आप कहेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आप कहेंगे कि सर गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास। देखिए क्या मैंने गलत फॉर्मूला गलत लिखा है, चलिए आप कहेंगे सर फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास, बट यहां से हम देख रहे हैं, देखिए इस इक्वेशन से हम दे रहे हैं इक्विवेलेंट मास इक्वल टू 1 फैराडे। बोले सही बात है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 1 फैराडे, मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल आ गया गिवन मास, जिसको हमने डिपॉजिट मान लिया W, और इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल है 1 फैराडे के, किसके इक्वल है 1 फैराडे के, ठीक है। मेन से कि एक फैराडे चार्ज सप्लाई होने के बाद जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं 1 फैराडे चार्ज या फिर 1 फैराडे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैं पास करता हूँ, तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन, गिवन का मतलब क्या है यहाँ पे, डिपॉजिट या फिर लिबरेटेड, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मींस कि 1 फैराडे चार्ज कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिपॉजिट करता है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर आप कहेंगे 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करता है इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? तो यहाँ से मैं एक लाइन लिखूंगा, चलिए आप इसको एक बार नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए आप, इसको चाहे रहने भी दीजिए, मैं इसको इरेज करूँगा, तो एक बार इसको नोट कीजिए आप। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए, तो मैंने कहा कि यहाँ से इन दोनों से मैं एक बात निकालता हूँ, एक कंसेप्ट निकालता हूँ, ठीक है। वो कंसेप्ट क्या है कि 1 फैराडे विल डिपॉजिट इक्विवेलेंट मास और 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि 1 फैराडे कितना मास डिपॉजिट या फिर लिबरेट करेगा, तो आप कहेंगे या तो इक्विवेलेंट मास या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या तो इक्विवेलेंट मास या फिर ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए अब इसको आप, बहुत अच्छे, सारी चीज़ें विजिबल आपको। हाँ जी जी, सारी चीज़ें विजिबल, वेरी गुड, नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छे। ओके, तो नोट हो गया है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको, कि हमने कोई भी मास डिपॉजिट होगा, हमने कैटायन का एग्जांपल ले लिया, हम एनायन का भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमने कैटायन का ले लिया क्योंकि मेटल्स की जनरली हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी, एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगी, कॉपर डिपॉजिट होगी या फिर सिल्वर डिपॉजिट होगी, तो हमने उसको मान लिया। तो हमने देखा कि अगर हम एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कैटायन के ऊपर एन पॉजिटिव चार्ज है तो वो कितने ही इलेक्ट्रॉन लेता है, एन इलेक्ट्रॉन, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए और रिड्यूस होकर सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाए। तो हमने देखा n इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो 1 एटम बनता है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनेगा, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है, मोलर मास। मीन से n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 6.0 to 10 to 23 into 1.67 into 10 to 19 कूलम। क्या है ये,
चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता ही ये वैल्यू, इसको हमने नाम दे दिया 1 फैराडे, मीन्स एन इंटू फैराडे इज इक्वल टू मोलर मास। तो हमने यहाँ से फैराडे की वैल्यू निकाली, मोलर मास बाई में एन, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लॉस्ट, जिसको हम वैलेंसी कहें या फिर जिसको हम कहें चार्ज ऑन कैटायन या फिर एन आयन, और वो इक्वल होता है इक्विवेलेंट मास के। तो यहाँ से हमने देखा कि 1 फैराडे इक्वल आ गया इक्विवेलेंट मास के। फिर हमने एक फॉर्मूला हमारे को लर्न होता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट मास। और इस फॉर्मूले से हमने देखा इक्विवेलेंट मास इक्वल है 1 फैराडे के, तो इसको हमने डिवाइड किया, तो इसका मतलब हमने क्या निकाला कि 1 फैराडे चार्ज को अगर सप्लाई करेंगे तो जो वेट ऑफ वेट डिपॉजिट होगा वो इक्वल होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के। इन दोनों इक्वेशन से हमने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकाला कि 1 फैराडे कितना मास डिपॉजिट कर सकता है, या तो वो डिपॉजिट करेगा इक्विवेलेंट मास या फिर वो डिपॉजिट करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कौन, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे का रिलेशन होता है इक्विवेलेंट मास से और ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वलिटी का, क्लियर है, नोट कीजिए इसको, नोट हो गया है, बहुत अच्छे। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। आई होप आपको समझ आया, ये इजी कंसेप्ट है। चलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इक्विवेलेंट मास तक तो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, बट ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ा सा पजलिंग हो सकता है मे बी आपको लगे, उसको टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, बट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल जब हम करेंगे। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है वो इक्वल होता है जेड इंटू क्यू के, बोले कुछ गलत लिखा मैंने, आपने पढ़ लिया, ओके। अब हमने पढ़ा कि अगर हम इफ चार्ज को अगर हम मान ले 1 फैराडे, चार्ज को अगर मान ले 1 फैराडे, देन वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। बोलिए ये अभी मैंने जो लास्ट कंसेप्ट आपको पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि जब 1 फैराडे चार्ज को हम सप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा, आप कहेंगे इक्विवेलेंट मास, क्लियर है ये बात। तो अब इस इक्वेशन के अंदर इसको हम मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अगर हम क्यू की वैल्यू रखें 1 फैराडे, वेट ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड की वैल्यू रखें इक्विवेलेंट मास, ये इक्वेशन बन जाती है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू जेड इंटू 1 फैराडे। यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की वैल्यू आप कहोगे सर इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाई में 1 फैराडे। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाई में 1 फैराडे, क्लियर है। अब देखिए अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे हम और बढ़ा सकते हैं, कैसे, यहाँ से इक्विवेलेंट मास अभी तक हमने पढ़ा है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय में एन, एन क्या होता है वैलेंसी, मोलर मास बाय में एन। तो अब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी इक्विवेलेंट मास की बजाय मैं रखूंगा मोलर मास बाय में एन, इक्विवेलेंट मास की बजाय मैं रखूंगा मोलर मास में, और नीचे फैराडे तो था ही 1 फैराडे, 1 को हटा देते सिंपली, क्या है फैराडे, क्लियर है, मीन्स क्या है 1 फैराडे। तो जेड की वैल्यू आ गई ये कि जेड इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई में वैलेंसी इंटू फैराडे, क्लियर है। अब इसको अगर मैं वेट ऑफ डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, या तो क्या है डिपॉजिटेड या क्या है लिबरेटेड, इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, जेड इंटू क्यू। तो अगर मैं अब जेड की वैल्यू रखूं, जेड की वैल्यू ये रख देता हूँ तो क्या रखूँ मैं, देखिए मास बाई में वैलेंसी इंटू फैराडे इंटू क्यू, अच्छा इसको फिर और एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, मास एन इंटू फैराडे क्यू, क्यू की बजाय मैं लिख सकता हूँ आई इंटू टी, बोलिए क्यू की बजाय मैं लिख सकता हूँ आई इंटू टी, क्यों, बिकॉज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्लियर है। तो अब ये होगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि जो फैराडेज लो है उसकी फाइनल फॉर्म क्या है, या फैराडे की दोनों ला को मिला के, देखिए एक ला अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है बट फिर भी वो ला भी इसी के अंदर इंक्लूड है, क्लियर, ये फाइनल इक्वेशन फैराडे लाज के लिए, दोनों ला को कंबाइन करके इक्वेशन बन सकती है, इससे दोनों लाज निकल सकती हैं। अब दूसरी लाज पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो ये आ गया फाइनल इक्वेशन, ये क्या है, वेट ऑफ डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, किसका, सब्सटेंस का, कब, इलेक्ट्रोड के ऊपर, किसके दौरान, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, इक्वल होता है मोलर मास
इनटू करंट सप्लाइड इनटू टाइम डिवाइड बाय में वैलेंसी इनटू फेराडे। क्लियर है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये है फेराडे। फेराडे की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या लेनी है, 96500 कूलम्स। टाइम की वैल्यू आपको किस में लेनी है, सेकेंड्स में। करंट की वैल्यू आपको किस में लेनी है, एम्पियर में। एन क्या है, वैलेंसी। अच्छा एम क्या है, एम तो आपको पता ही है, मोलर मास। एम क्या है, मोलर मास। तो चलिए इस इक्वेशन को आप फाइनली अपने नोट्स के अंदर उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे लॉ के ऊपर जो ईच एंड एवरी वन न्यूमेरिकल, हर एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से सोल्व हो सकता है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले से सोल्व कीजिए, मैंने अभी तक बोला है सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, बुक्स के अंदर दिया होता है, इसीलिए आपको करवाया जाता है। बट इससे बेस्ट मेथड हमारे पास, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड्स, उसको भी मैं बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए, वेरी गुड, तो नोट हो गया है। चलिए तो रेज करने से पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने पढ़ रखा है फैराडे के फसलों के अकॉर्डिंग कि वेट्स डिपोजिट लिबरेटेड इक्वल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज, ठीक है। अब अगर हम चार्ज को 1 फैराडे मान लें तो वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा इक्विवेलेंट मास, दोनों को इक्वेशन रख दो, इक्विवेलेंट मास इज जनरेट टू 1 फैराडे। जेड की वैल्यू निकाल लो, इक्विवेलेंट मास में 1 फैराडे। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास में वैलेंसी, उसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जेड इक्वल एम बाई में एन इंटू एफ। क्लियर है, उसी को बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये पुट कर दिया, क्यू की वैल्यू आई इंटू टी, आई इंटू टी, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू एम इंटू आई इंटू टी बाई में एन इंटू एफ। ये अब एम क्या है, डब्ल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। क्लियर है, तो अब फाइनली मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले से फैराडे लॉ के हर न्यूमेरिकल को हम सोल्व कर सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आप फॉर्मूला ये यूज नहीं करना आपको। मैं जो दूसरा मेथड आपको बताऊँगा यूनिटरी मेथड, वो ईजी भी है और काफ़ी इफेक्टिव भी है, तो आप हर न्यूमेरिकल को उसी से सोल्व करोगे। ऐसा नहीं मैं इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल को सोल्व नहीं करवाऊंगा, मैं इससे भी करवा दूंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस मेथड से आप इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करें। क्लियर है, तो अब हम चलते हैं सेकंड लॉ पे। हमने अभी तक पढ़ा फ्राइडे फर्स्ट लॉ, अब हम चलते हैं फ्राइडे के सेकंड लॉ पे, ठीक है। चलिए फ्राइडे सेकंड लॉ, चलिए यहीं लिख लेते हैं फ्राइडे सेकंड लॉ। फ्राइडे सेकंड लॉ क्या कहता है, फ्राइडे सेकंड लॉ ने क्या किया था, उन्होंने दो इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़ा, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, ठीक है, और उसको उन्होंने बैटरी के साथ या फिर इन दोनों को जो कनेक्शन किया वो किया उन्होंने सीरीज में। सीरीज में कैसे होता है आपको पता, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा वो एनोड थी, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा वो कैथोड थी, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रोड, अच्छा ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, पॉजिटिव को जोड़ दिया नेगेटिव, सीरीज में आपको पता है कैसे जोड़ते हैं, ये नेगेटिव, ओके। और इसको उन्होंने जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, कहीं पे लगा दिया स्विच को कर दिया, ठीक है। तो अब हमने जो इनको कनेक्ट किया है वो किया है सीरीज के अंदर, अब हमने जो कनेक्ट किया है इनको किस में किया है, सीरीज के अंदर। मान लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको हमने मान लिया कि AgNO3 है, और यहाँ पे जो है उसको हमने मान लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वस, दोनों ही कैसे हैं, एक्वस। तो सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करते वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़ा। अब सीरीज में जोड़ा है, देखिए किस में है ये, इन सीरीज का मतलब होता है सेम करंट। आपने 10th standard के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, सीरीज के अंदर जब हम जोड़ते हैं तो क्या सेम रहता है, सेम करंट, मीन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने बस इसी को रिलेशन मान के बताया कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में अगर सेम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाए तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, यहां पे कौन डिपॉजिट होगा, Ag, यहां पे कौन डिपॉजिट होगा, कॉपर। तो अब इन दोनों के मास में क्या रिलेशन है, तो उन्होंने क्या बताया कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू
डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन ए सीरीज देन रेशियो ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंसेज सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. ठीक है, तो क्या बोला कि जब हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, जिनको हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखा है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो अलग अलग सब्सटेंस डिपॉजिट होने हैं, यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे कॉपर, इनका जो मास डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा, उनके मास का रेशियो इक्वल होगा इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल. मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस को डिवाइड किया वेट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस से, वेट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिपॉजिटेड वेट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस डिपॉजिट, मीन्स इधर रेशियो ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंसेज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सेकेंड. ये था एग्जाम्पल के लिए जो हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है उसके अंदर अगर हम ये एक्सप्लेन करें, तो मीन्स कहेंगे कि जो ए जी का वेट डिपॉजिटेड होगा, ठीक है, या इसको ऐसे लिखें वेट ऑफ ए जी डिपॉजिटेड डिवाइड बाई में वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए जी डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए कॉपर. बोलिए, मीन्स रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स या इन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि जो मास सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है उसको डिवाइड कर दे जो मास कॉपर का डिपॉजिट हुआ, उन दोनों वेट का मास का रेशियो इक्वल होगा, रेशियो के ही इक्वल, किसका रेशियो इक्विवेलेंट, किसका, उन दोनों सब्सटेंस का. क्लियर है. अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं AgCl, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं MgCl2, तो जो यहाँ पे Ag का डिपॉजिट होता उसके मास का, यहाँ पे Mg का डिपॉजिट था, उन दोनों का रेशियो इक्वल होता, फिर उनके इक्वल मास के रेशियो के इक्वल. ये है सेकेंड लॉ, तो नोट कीजिए इसको. वीडियो सही चल रही है, वेरी गुड. ओके, चलिए, तो आपने देखा ये था फैराडे का सेकेंड लॉ. आई होप इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ. तो आई होप आपको क्लियर है कि अगर हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन लें और उनके अंदर से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं, तो दो डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होने हैं, उनके वेट का रेशियो, जो वेट डिपॉजिट होना है वो इक्वल होगा रेशियो के, उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल. क्लियर है. तो ये था फैराडे का सेकेंड लॉ. चलिए नोट कीजिए. अच्छा, नोट हो गया, वेरी गुड. तो अब देखिए, अब एक कंसेप्ट और बस, उसके बाद हम करते हैं धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स, है ना. न्यूमेरिकल से आपको बहुत डर लगता है, बट अब न्यूमेरिकल से डरने की आपको नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली जो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा, और साथ में आपको जो कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको करवाऊँगा. ठीक है, तो चलिए, तो मान लेते हैं हम कि ये हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है,
ये दो इलेक्ट्रोड हमने ली हैं, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको नेगेटिव से, तो ये होगी अपनी एनोड, ये होगी अपनी कैथोड। यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या फ्लो होता है, करंट। अब इस वायर के अंदर से आपसे कोई पूछे इस वायर के अंदर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन दैट वायर, मेन से एक कंसेप्ट है अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज, अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग इन वायर, फ्लोइंग इन वायर क्या होगा, तो आपको बताना है कि ये होगा इक्वल किसके। देखिए इस वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, मीन्स एक तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल चार्ज वो पूछ रहा है, तो मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मीन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल चार्ज वायर के अंदर जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है, टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा न्यूमेरिकली, वो इक्वल होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जो ई एफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा, ये क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है। तो बस ये कंसेप्ट आपको सीखना है, उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स को ईजिली कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको, वेरी गुड नोट हो गया है। चलिए नोट हो गया, बहुत अच्छे। अच्छा तो आपने ये कंसेप्ट आपने सीख लिया है, आप न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। बट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ एन ए पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है एन ए का एक एटम। अब उसके बाद मैंने कहा कि सी प्लस टू या सी टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बनाता है कॉपर सॉलिड। अच्छा मैंने ले लिया एल्यूमिनियम थ्री प्लस, थ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेता है बनाता है एल्यूमिनियम सॉलिड। तो आप मेरे को बताएं कि अब इन सभी को हम डील कर रहे हैं मोल के अंदर, इन सभी को अंदर किसके अंदर डील कर रहे हैं हम, मोल, मीन्स वन मोल ऑफ कैटायन है, यहाँ पे भी सारे क्या हैं, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितना बन रहा है, वन मोल ऑफ सोडियम, वन मोल ऑफ कॉपर, वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो मैं पूछता हूँ कि how much charge is required for reduction of one mole of, first बताना है आपको sodium, second आपको बताना है copper और थर्ड आपको बताना है एल्यूमिनियम, ठीक है। कि टू पॉजिटिव थ्री पॉजिटिव, कि एक मोल एन ए पॉजिटिव को रिड्यूस अगर हमारे को करवाना है, मीन्स एक मोल सोडियम का हमारे को डिपॉजिट करवाना है, एक मोल कॉपर का, एक मोल एल्यूमिनियम का, तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, क्या तीनों में सेम है या तीनों में डिफरेंट है, डिफरेंट है तो कितनी वैल्यू, सोचिए एक बार इसको। ओके ट्राई किया आपने, चलिए देखिए क्या है इसका मतलब। अब इसमें से हम इसका आंसर हम इस तरह से देंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, वन लगा है, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वन है, तो मीन्स वन मोल, यहाँ पे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेंगे वन मोल ऑफ सोडियम, सही बात है, वन मोल का मतलब है 96500 कूलम्स, क्लियर है। इसका मतलब वन फैराडे, मीन्स कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी वन मोल सोडियम को, वन मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, वन फैराडे, सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, वन फेराडे। अब कॉपर का आप बताएं, चलिए ओके ट्राई कर लिया, वेरी गुड। चलिए कॉपर का हम क्या कहेंगे, देखिए दो मोल इलेक्ट्रॉन, टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना एक मोल ऑफ कॉपर, एक मोल ऑफ कॉपर। अब टू मोल का मतलब क्या है,
टू फैराडे, बोलिए टू मोल का मतलब क्या है, टू फैराडे, क्योंकि एक मोल पे जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं वन फैराडे, टू मोल है तो टू फैराडे, तो दो फैराडे लगे। तो कोपर के एक मोल को ही, देखिए यहाँ पे सोडियम का भी एक मोल था, कोपर का भी एक ही मोल है, तो कोपर के एक मोल के लिए कितना चार्ज रहेगा, टू फैराडे, कितना चार्ज रहेगा, टू फैराडे। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखिए थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री मोल इलेक्ट्रॉन से बनता है एक मोल एल्यूमिनियम, थ्री मोल इलेक्ट्रॉन से बनता है एक मोल एल्यूमिनियम, मीन्स तीन फैराडे से डिपॉजिट होगा वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तीन फैराडे से डिपॉजिट होगा वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो यही है यूनिटरी मेथड, यही है बस यूनिटरी मेथड। इस तरह से आपको बस रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है और उस रिएक्शन से देखना कि एक मोल, एक मोल कितने फैराडे से बनता है, एक मोल बना एक फैराडे से, एक मोल बना दो फैराडे से, एक मोल बना थ्री फैराडे से, ठीक है। इस तरह से हमारे को कैलकुलेट करना है। अब एक मोल का मतलब क्या है, एक मोल का मतलब है सोडियम का, अगर मैं बात करूँ एक मोल, इसका मोलर मास कितना होता है 23, मान लेते 23 ग्राम्स, तो एक फैराडे से कितना बना 23 ग्राम। यहाँ पे कोपर का मोलर मास 63.5 ग्राम्स, उतने ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे लगे, टू फैराडे। यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, आप कहेंगे 27, तो 27 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, थ्री फैराडे। तो बस इसी तरह से हमारे को कैलकुलेट करना, यही हमारा यूनिट मेथड। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। इसको अगर नोट तो करने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बस यही चीज़ें हमारे को करनी है और कुछ करना ही नहीं है, बस यही एक स्टेप आपको आना चाहिए कि एक मोल के लिए कितने फैराडे कैलकुलेट करने हैं, तो आपको कितने फैराडे रिक्वायर्ड है वो आपको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैसे कैलकुलेट करने हैं, बस इस मेथड से, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए।